भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 39। धर्म यत्रार्थ कामो च प्रजानन्दो मृतंजसः लोका विशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः। धर्मो यत्रार्थ कामो च प्रजानन्दो मृतंजसः लोका विशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः। धर्मो हि यत्रार्थकामो च प्रजानन्दो मृतंजसः लोका विशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः। शब्दार्थ धर्म धार्मिक अनुष्ठान ही निश्चय ही अत्र इस गृहस्थ आश्रम में अर्थ आर्थिक विकास कामो इंद्रिय तृप्ति च तथा प्रजानंद संतान सुख अमृतम त्याग का फल जसह जस प्रतिष्ठा लोकाह लोक विशोकाह शोक रहित विरजा रोग रहित ज्ञान जो न कभी नहीं केवलिना जति विदुहु जानते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इस सुंदर स्त्री ने आगे कहा, इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। इसके पश्चात चाहे तो मुख्य तथा भौतिक जस भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों या जतियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है, वे इसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य वैदिक अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्म के दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग दूसरा निवृत्ति मार्ग। इन दोनों मार्ग का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय सुख भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति। पशुओं तथा असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती।
और न प्रवृत्ति मार्ग की ही सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं, किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ प्रत्येक व्यक्ति में विषय जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु आसुरी सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप में भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में काम या विषय सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाना चाहिए। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्य को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए, किंतु निवृत्ति मार्ग में विषय सुख पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था चार आश्रम में है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इसमें विभाजित और इसमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थाश्रम में ही प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य तीन आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास में, काम विषय के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग की चार बात कर रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। वह स्पष्ट कहती है कि जतियों को तो मात्र कैवल्य से ही प्रयोजन रहता है, अतः वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं पाते। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांत पर चलता है वह भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य यथा पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्य में लगा रहता है। भौतिक कष्ट में जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि की तनिक भी परवाह किए बिना वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विषय जीवन पर आधारित है। श्रीमद्भागवत का वचन है, यन मैथुनादि गृहमिधादि सुखम तुच्छम। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं वरन गृहमेधि कहलाता है। यद्यपि गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, किंतु वह वैदिक अनुदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृहमेधि केवल इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखता है। इसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं है। गृहमेधि विषय जीवन का समर्थक होता है। वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है और अंत में सभी प्रकार के जस से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषय जीवन बिताता है और केवल अगले जीवन में भी वे ऐसा ही करता है, किंतु गृहमेधि को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि वह इसी जीवन में विषय सुख भोगने में ही लगा रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम विषय के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषतः लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी वह इस ओर उन्मुख होते हैं तो यह देखा जाता है कि उनके धूर्तों की बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानुतं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों ने कई दिन से भागवत के पुरंजन उपाख्यान जो श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वरिष्ठ को एक कहानी बता रहे हैं किसके इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये विषयी जीवन किस प्रकार है। जो लोग भोग उन्मुख होकर के नाना प्रकार के जाग यज्ञ और भोग के व्यवस्था कर रहे हैं उससे वंचित करने के लिए नारद जी ने उनको इस प्रकार एक कहानी कहते हैं जिनमें राजा पुरंजन स्वयं ये आत्मा है और उसका अविज्ञात बंधु है जो है परमात्मा, और जो भोग उन्मुखी बुद्धि है उसको स्त्री के रूप में वर्णन किया गया प्रमदा के रूप में, और शरीर के अन्य अन्य इंद्रियों को प्राण को उनके सखा सखी और प्राण रक्षा कारिणी नागिन जो दशवायु को इस प्रकार वर्णन करके करते आगे कहते हैं कि राजा का उन प्रमदा के सब जब भेंट होता है इस पुरी में इस शरीर नवद्वार वाला पुरी में, तो किस प्रकार सबसे पहले राजा ने उनके प्रति बहुत आसक्ति होकर के भोग की इच्छा प्रकट करते हैं, भोग अभिलाष प्रकट करते हैं। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जब भी हम भोग की विषय में सोचते हैं सोचने मात्र से ही संगस्ते से उपजायते, कि तुरंत हमारा उस भोग विचार तुरंत हमारा पतन की ओर ले जाता है हमको भोग विलास भावना। तो इसी प्रकार जो विशेष सुख की भोग चाहते हैं तो किस प्रकार वो क्रिया करते हैं, किस प्रकार उन्होंने बंधन अवस्था को प्राप्त करते हैं उसी का वर्णन करते हैं। विशेष करके आज के श्लोक में राजा के सामने उपस्थित ये जो प्रमदा जो सुंदर स्त्री जिनके पास उन्होंने अपने भोग को प्रार्थना किए हैं भोग इच्छा को, तो उन्होंने कह रही है कि किस प्रकार ये जो भोग विलास ही इस जीवन का एकमात्र साध्य वस्तु लक्ष्य होना चाहिए, उसके अलावा सब बेकार है। जो इसको नहीं जानते सर मूर्ख है, कुछ नहीं जानते हो। तो इस बात को कह करके शुरुआत करते हैं कि धर्म अर्थ काम ये सब जो है केवल अत्र इस गृहस्थ आश्रम में ही उपलब्ध है, बाकी कहीं नहीं मिलने वाला। किस गृहस्थ आश्रम में ही धर्म अर्थ काम मुख्य पर्यंत, मुख्य शब्द का अर्थ यहाँ मुख्य तो लिखा नहीं अमृत लिखा गया, अमृत को कोई कई इस जगह में भी त्याग मुख्य करके कई जगह में लिखा गया, लेकिन कई आचार्यों ने उसको मुख्य को इस अमृत को मुख्य शब्द में नहीं दिए हैं। उन्होंने कहते हैं अमृत मतलब यज्ञ जो करते हैं गृहस्थ लोग भोगी लोग भोग करने के लिए यज्ञ आदि करते हैं, और यज्ञावशिष्ट यज्ञ करने के बाद जो अवशेष घी और यज्ञ भाग अन्न आदि रहता है ये अमृत तुल्य है, उसी को पाते हैं इस यज्ञावशिष्ट भोग करते हैं सुख भोग, बहुत सुंदर सुंदर खाद्य प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं, लेकिन कई जगह में उसको अमृत को मुख्य करके माना गया। जो भी हो उसमें कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मुख्य चिंता नहीं रहता, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की साधन, इस त्रिवर्ग के लिए बहुत प्रशंसा किया गया, और जो जति जो वैरागी लोग हैं जो मुख्य कामना करते हैं उनको निंदा किया गया, उनको निंदा किया उनको क्या पता है। तो जीवन के जो पुरुषार्थ है चार पुरुषार्थ माना जाता है, एक धर्म अर्थ काम और मुख्य। पुरुषार्थ में सबसे पहले व्यक्ति को पढ़ लिख करके व्यापार करे नौकरी करे कुछ करके अर्थ कमाई करना चाहिए, पहले अर्थ आवश्यकता है, अर्थ के बिना तो जीवन भोग कुछ भी संभव नहीं है किसी प्रकार। तो सबसे पहले लेकिन अर्थ को कमाने के लिए क्या करना चाहिए उपाय, बोलते हैं उपाय होना चाहिए धर्म, धर्म के अनुसार अर्थ कामना अर्थ उपार्जन करना चाहिए,
लेकिन आजकल कलयुग में धर्म तो नाम मात्र के रहेगा, अधर्म के अनुसार अर्थ उपार्जन करते नहीं। जहाँ देखो किसी स्थिति में किसी भी ऑफिस में किसी कार्यालय में जाओ, अर्थ उपार्जन के एकमात्र उपाय है अधर्म। लेकिन पुरुषार्थ में कहा गया नहीं अधर्म से धर्म उपार्जन नहीं करना चाहिए, धार्मिक उपाय को अवलंबन करते हुए धर्म आचरण करते हुए अर्थ उपार्जन करे, इस अर्थ के द्वारा काम भोग करे और काम भोग से उपरत होकर के मुख्य कामना करे। ये चार भाग में विभाग किया गया है। तो जिसमें इस गृहस्थाश्रम को प्रशंसा करते हुए इस गृहस्थाश्रम में जो मुख्य हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस प्रमदाने स्त्री ने ये कहती है कि ये जो धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग है वो तो केवल इसी आश्रम में अत्र इसी आश्रम में उपलब्ध है, और कहाँ मिलेगा। उसके अलावा धर्म अर्थ काम तो है, उसके अलावा जो संतान सुखम प्रजा उत्पन्न सुखम प्रजानंदम वो भी प्राप्त होगा। उसके अलावा आप जो यज्ञ आदि करेंगे गृहस्थल के यज्ञ करेंगे धन खर्च करके यज्ञ करेंगे, यज्ञ से अवशिष्ट जो अमृत जो प्रसाद वो भी प्राप्त होगा, और यज्ञ के फल के अनुसार आप उच्च लोक प्राप्त होंगे स्वर्ग आदि लोक। स्वर्ग लोक में ना बीमारी होता है ना बुढ़ापा होता है, विशोका विरोजा कोई व्याधि नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सैकड़ों साल तक भोग सकते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। तो ये सारे सुख तो केवल इस गृहस्थाश्रम में होता है। जो भिकमंगे हैं थोड़ी जगह जगह कर सकते हैं, वो कहाँ सुख पाएंगे, वो नाम निशान नहीं जानते, वो उनका पास में कल्पना से बाहर है, वो बेचारे क्या जानते मूर्ख हो। तो इस प्रकार से खूब निंदा करके गाली देकर गृहस्थाश्रम की बड़ाई करते हुए उन्होंने उनको खूब, क्योंकि जो जिस प्रकार इच्छा रखता है उनको अगर इच्छा अनुसार भोग में प्रवृत्त करना होगा तो इसी के अनुरूप उक्ति करना चाहिए। जैसे आप लोग को कपड़ा गंदा है, कपड़ा साफ करना चाहते हैं, तो जो कंपनी सर्फ बनाते हैं वो आपको सामने वही सर्फ खरीदें करके इसे एडवर्टाइज करते हैं, दिखाते हैं। कपड़ा लाएंगे पूरा तेल मैला धूल लगा देंगे उसमें, पूरा गंदा करेंगे, वही गंदा करेंगे, गंदा करके देखें देखो ये कपड़ा कितने गंदा है, फिर इसको रिन सुपर में डालेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, हिला कर देखा देखो चकाचक बिल्कुल दूध के जैसा साफ हो गया। तो एक कपड़ा को गंदा करते हैं वही, फिर साफ करते हैं वही, तो इसको ना गंदा करना साफ करना उनको ध्येय है। उनको क्या ध्येय है कि आप रिन सुपर पाउडर खरीदें, उसी का एडवर्टाइज करते हैं, देखो इस प्रकार कैसे गंदे का निवारण करता है ये है। तो इसी प्रकार जिस चीज़ को आप भोग कराना चाहते हैं उसके बारे में खूब बताना होगा। तो इसलिए इस प्रमदाने जब राजा पुरंजन को प्राप्त किया तो उनको इस भोग में प्रवृत्त कराने के लिए ये जो उपाय बताती है, बोले अरे आप आगे फिर चिंता क्या करते हैं, अब तो यही एक ही उपाय है जिसके द्वारा सारे सुख भोगा जा सकता है, जीवन का जो लक्ष्य है केवल इसी में प्राप्त हो सकता है। और गिनकर बताती, देखो धर्म अर्थ काम अमृत इत्यादि इत्यादि सब, उसके अलावा संतान सुख स्वर्ग सुख ये लोक जो जो कामना है यह लोक परलोक दोनों लोक में ही अगर कोई सुख चाहे करे। और ये जो नहीं सोचते इस बारे में वो बेचारा को तो इतने दुर्बुद्धि है कि विचार इस लोक के सुख भी नहीं जानते परलोक की बात ही क्या है। तो इस प्रकार कह करके उन्हें तामसी बुद्धि जो पशु प्रकार के लोक हैं मूर्ख लोग हैं जो बेचारे जानते नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, धर्म अधर्म कुछ ही ज्ञान नहीं है, पशु तुल्य जो लोग हैं उनको बेचारे क्या पता है किसी लिए दुख मिल रहा है, क्या करने से सुख मिलेगा, ना अतीत ना भविष्यत ना वर्तमान किसी ज्ञान नहीं है। इस विचारों को ये निंदा करके कहते हैं, देखो इस प्रकार कहे, लेकिन जो धार्मिक गृहस्थ हैं जो गृहस्थ जो भोग बुद्धि वो तमसा बुद्धि से नहीं आता, रजोगुण से उत्पन्न होता है, रजोगुण में थोड़ा सतोगुण मिश्रित रहता है, तो इसी कारण से धर्म को सपोर्ट करता है, धर्म के द्वारा भोग करना चाहता है, धार्मिक पद्धति के अनुसार भोग करना चाहता है, अधार्मिक नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि धर्म के अनुसार जो भोग किया जाता है विषय भोग यही सर्वश्रेष्ठ है, इसके द्वारा धर्म के अनुसार आप जाग यज्ञ करेंगे दान धर्म करेंगे, इसमें इस लोक में नाम जस प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, संतान सुख प्राप्त होगा,
धन धान्य प्राप्त होगा, लोग बहुत बड़े कहेंगे और मर करके तो उच्च गति स्वर्ग लोग प्राप्त होंगे, फिर कितना भोगेंगे, है ना। नहीं तो बाकी जो लोगों को मूर्ख जो पशु जोनि में है उन इंद्रों को पता ही नहीं सुख क्या होता, विचार के कैसे करते करते मर जाते। बोले बाकी जो सतगुणी जो वैरागी जति ओह वो लोग तो निष्ठुर है, कठोर हृदय उनका, उन्हें कुछ है ही नहीं, उनके अंदर ममता है कहाँ, रस है क्या, सुख है वो लोग तो कुछ नहीं, वो तो सुख सुख करके मरे मुख्य के पीछे को पड़े, लेकिन ये सुख कहाँ मिलेगा उनको, ये सुख का टेस्ट ही उनके पास नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते, नाम भी नहीं जानते सब चीज़ का। तो इस प्रकार दोनों सात्विक और तामसिक दोनों को निंदा करके केवल राजसी भोगबुद्धि को उन्हें प्रशंसा करते हुए बात कहते हैं पुरंजन का सामने, ताकि पुरंजन महाराज बड़े जल्दी से प्रवृत्त हो जाएं इस भोग कामना में। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने उपदेश छल में कई कहानी लिखे हैं, उपाख्यान उपदेशम, वो जानते हैं हम लोग जैसे मूढ़ बुद्धि हैं, सीधा सीधा हमको उपदेश कोई सिद्धांत की बात बताए हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं, इतने जड़ है काम नहीं करेगा, सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए विज्ञ व्यक्तिगण हम जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाने के लिए, जैसे कोई छोटे बच्चे है उसको पेट में कुर्मी है और दवाई खाना पड़ेगा करेला जूस को इसी कड़वा दवाई, वो तो मुँह में नहीं लेता फेंक देता ना, नहीं खाएगा दवाई, तो माता ने क्या करते हैं उसमें शहद डालते हैं, चीनी डालते हैं, कुछ मीठा कुछ एसेंस डालकर तो खा लेती है, खा लेता है। ठीक इसी प्रकार जब आचार्यगण महापुरुषगण सिद्धांत के ज्ञान को हमको समझाने के लिए कोई प्रकार कहानी, जैसे नारद जी यहाँ करते हैं, वो कहानी बड़े क्लिष्ट है, नारद जी का जो कहानी है वो भी बड़े क्लिष्ट है, लेकिन कई आचार्य बड़े अच्छे कहानी जिसको हम समझ पाए, हो सके राजा पुरंजन उसको अच्छा लगा समझाओ, हम लोग के लिए तो उसका भी परपट चाहिए, वो कहानी का भी उसको भी समझ नहीं आता, तो ऐसे कहानी कह करके समझाते हैं। तो एक कथा में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि एक सेठ जी थे, सेठ जी थे बड़े व्यापारी थे, बहुत धन धान्य था, भोग प्रतिष्ठा खूब था, उनका नाम था, तो उनके कई नौकर बाकर थे। तो एक नया नौकर आया था उनके पास, तो उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट दिए थे, तो उन्होंने अपने मालिक को प्रसन्न करना के लिए मालिक के साथ साथ रहते थे, तो मालिक के आगे पीछे रहते थे, तो मालिक ने एक बार बैठ करके इसे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत करते हुए बगल में आकर बैठा था, तो मालिक ने बता लिया कि बोले देखो ये आलू जो है ना सब्जी में ये ठीक नहीं है ना सार, कहने की बात है आलू डायबिटीज़ का जड़ है, कोलेस्ट्रॉल भी उसी में होता है, खाने के लायक है, पहले तो था नहीं देश में, हमारा सकड़ो उसका नेगेटिव बात बोलने लगा, ऐसे है इसको पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं ये करते हैं, इतने इतने बात कहा एक पेज भर जाए, इतने पॉइंट बताए आलू के नाम। तो सेठ जी ने खूब सुने, खूब एक ही बात कहे आलू ठीक नहीं करके वो इतने परपट बताया, 100 अवगुण बताया आलू के बारे में। तो सेठ जी ने बोले अच्छा ठीक, बैगन भी, बैगन का बात कहना है बेगुण है ना, उसमें गुण है ही कहाँ, गुण ही नहीं उसमें, उसको तो लोग शास्त्र के अनुसार वर्जित है, इसे वर्जित है, लोग कैसे खाते हैं वो करते हैं इसे करते हैं, सकड़ो अवगुण बैगुण का बताया। तो सेठ जी बोले अच्छा, मैं तो केवल इतना तो इतनी महिमा जानते हैं उन्होंने इतने बताया। तो सेठ जी ने सुन सुन के बोले लेकिन आजकल बाजार में तो यही मिलता है आलू, ऐसे ठीक है हर सब्जी, सार कहने का बात है आलू के बिना सब्जी हो सकता है, सवाल ही उठता है। राजभोग में देखो, बाल्य भोग में देखो, रात्रि भोग में देखो, ब्रेकफास्ट में देखो, लंच में देखो, डिनर में देखो, वही तो है, इवन फास्टिंग के दिन फिंगर चिप्स उसी का डिमांड है, क्विंटल को क्विंटल उड़ता है, उसका महिमा तो सारा क्या बताऊं, आलू जैसे तो सब्जी हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार के पकवान बनाओ आलू के बिना कमी रह जाए, हो ही नहीं सकता। अब इतने स्वगुण बताता, इतने बताया, सेठ जी बोले ये बात है तो इतनी महिमा बता रहे, इतने गुण है। सेठ जी बोले बैगन भी सब्जी में ठीक लगता है, बैगन का सार क्या बताएं, बैगन की भजा आप टेस्ट करें, भजा भजते स्मेल से ही मुख में लार टपके, दही के साथ बैगन बना।
भूंज करके बनाओ, जला करके बनाओ, ऐसे बनाओगे उनके भरता भाई, उनके सब्जी भाई, उनके क्या विशेष गुण है, हाँ तभी तो नाम बैगुण है उसका, साधारण गुण नहीं होता उसमें, आयरन तो भरा हुआ है उसमें, हाँ आपको कमी है तो केवल उसी को डॉक्टर कहते हैं खाने के। ऐसे बता सेठ जी को समझ में नहीं आया, बोला अरे अभी हमें बोला कि आलू खराब है तो इतने बड़े व्याख्यान चढ़ाया कि आलू खराब है, बैगुन खराब है इतने व्याख्यान दिया खराब है, उसमें बताया कि आजकल बाजार में तो इतनी बड़ी उपाख्यान उसके ऊपर चला है कि आलू बैगुन इतने महिमा मंडित है उसको ही खाना चाहिए इतने गुण, तो उन्हें वो कन्फ्यूज हो गए सेठ जी ने, बोले अरे बताओ तो सही है, क्या सही है क्या गलत है, आलू बैगुन में तो कन्फ्यूज हो गया आपको बात सुन करके, आप जब मैं कहता हूँ आलू खराब है तो आप तो इतने खराब गुण बताते हैं, जब बोलता हूँ अच्छा है तो इतने अच्छा गुण बनाते हैं, बैगुन कभी आलू कभी, तो क्या करूँ, सपोर्ट करें या सपोर्ट ना करें, उसको लाए ना लाएँ क्या है, आप तो आपके बात में से कुछ सत्यता नहीं प्रतीत होता, आप तो इस पक्ष में भी बात कहते हैं उस पक्ष में भी कहते हैं, आपके बात पर तो कोई भरोसा नहीं, क्या विश्वास करूँ आपके बात को, आप ऐसे क्यों बताते हैं, आलू के इतने निंदा भी किए इतनी प्रशंसा करते, बैगुन को भी इतना निंदा किए इतनी प्रशंसा करते हैं। तो नौकर ने उठकर खड़ा होकर बोला सर क्षमा करें, ना तो मैं आलू का नौकर हूँ ना तो बैगुन का नौकर हूँ, मैं तो आपके नौकर हूँ, आप जो कहेंगे मैं तो वही कहूँगा, जिंदाबाद, बस आप बोले आलू ठीक है और आलू के ऊपर तो मैं कविता लिखूँगा, बैगन ठीक है उसी के ऊपर रिसर्च कर डालूंगा, अब आप नहीं कहेंगे तो हम भी नहीं कहेंगे, हम तो आपके नौकर हैं उनसे थोड़ी ठीक है। इसी प्रकार जिसको आप प्रवृत्त कराना चाहते हैं, प्रेरणा करना चाहते हैं, उसी बात को ढूंढ ढूंढ करके उसके प्लस पॉइंट, उनके जब जो जो उसका मेरिट है, जो उसके अच्छे गुण है, कहाँ से ढूंढ करके प्रशंसा वाक्य के साथ कहेंगे तो लोग बिल्कुल अच्छा ऐसी बात है क्या तो करने चलेंगे। ये सारे दुनिया में जो नए नए प्रोडक्ट निकलता है, नई प्रकार के वस्तु निकाल करके उस वस्तु निकालेंगे फिर चलेगा कैसे, खरीदेंगे लोग तभी ना, खरीदने के लिए ऐसे ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, ऐसे ऐसे आई कैचिंग होर्डिंग वर्डिंग लगाते हैं, टीवी के अंदर नाटक के अंदर जाते ऐसे ऐसे पेश करते हैं, हम जैसे साधारण मूढ़ बुद्धि साधारण जनता तो बिल्कुल फंस जाता, कैसे भी तैसे एक एक बात को हजारों बार आपको दिखाएंगे आप तो बोलेंगे भाई यही है लेना ही चाहिए, ऐसे एडवर्टाइज करेंगे तो आपका पॉकेट में जो पैसा है उतार के ये खर्च कर डालेंगे, बोले जा कुछ नहीं। तो ये कमाल केवल एडवर्टाइज वालों के हैं, ऐसे विज्ञापन करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि कोई भी लोग का बुद्धि वंचित हो जाएगा, वो फंस मोहित होकर के उसी के तरफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस प्रमदा ने जब पुरंजन महाराज को भोग में प्रवृत्त करना चाहता था तो ये प्रवृत्ति मार्ग का, इस गृहस्थ आश्रम का, एक भोग सुख का इतने ऊंचाई से शिखर में वर्णन करता है। वर्णन करने का दो पॉइंट होता है, एक तो उनका अच्छा गुण बताना, तुलना करना दूसरे के साथ, और दूसरे को न्यून दिखाना, ये सब बेकार है, यही है क्या अच्छा, तब तो जाकर उसका मेरिट माना जाएगा। केवल एक चीज को अच्छा कहेंगे तो ठीक है, लेकिन दूसरे भी अच्छा हो सकते, नहीं दूसरे कोई अच्छा नहीं है, यही अच्छा है और केवल अच्छा है, बाकी सारे खराब है, ये तीन पॉइंट में एडवर्टाइज किया जाता है। जो चीज़ को आप बताना चाहते हैं बोलेंगे यही इतने बढ़िया है, इतने गुण बताएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके अलावा और कोई नहीं है, और दूसरे दूसरे चीज़ उसके समान ही हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से लोगों के बुद्धि को भ्रमित करने के लिए जो रजोगुण की बुद्धि है, जो भोग बुद्धि रज और आगात्मक, जो आसक्त होकर के भोग वासना करता है, जो बुद्धि जिस बुद्धि का जन्म ही रजोगुण से हुआ है, जब अर्जुन ने भगवान को एक बार गीता में पूछा, बोला प्रभु मुझे ये बताइए, अथ केन प्रयुक्तोयं कामचरति पुरुषः, पुरुष ए पापचरति पुरुष, पाप काम में आदमी क्यों प्रवृत्त हो जाता है, पाप क्यों करता है। हम जैसे जितने यहाँ बैठे हैं कोई गलत करना चाहते हैं, सचमुच नहीं चाहते, पाप करना नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी जैसे हमारे द्वारा जबरदस्ती कराया जाता है काम, क्यों हम चाहते नहीं करने के लिए, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन फंस जाते हैं फिर गलत काम करते हैं, इसे क्यों। अथ केन प्रयुक्तोयं पापः चरति पुरुषः, पाप आचरण पुरुष क्यों करता है,
अनिच्छिन्न भी वार्ष्णेय बड़ादपि नियोजित, इच्छा ना करते हुए भी हे वार्ष्णेय, जैसे जबरदस्ती कोई उसको इस काम में लगा देता है, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान सीधा सीधा आंसर देते हैं, क्या काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, अर्जुन ये जबरदस्ती तुम्हें पाप काम में लगाने का दो ही एजेंट रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कौन कौन ना, काम ऐसा काम ही है और उनके भाई है उनके साथ में, अकेला नहीं है, क्रोध, उसको कामानुज कहते हैं, काम का अनुज है क्रोध, वो काम और उनके छोटे भाई दोनों मिल करके आपको इस जबरदस्ती न चाहते हुए पाप काम में फंसाते हैं, प्रवृत्त कराते हैं। तो अर्जुन बोला, बदमाश ये दोनों मुझे फंसाते हैं आकर, कहाँ है बताओ, अभी देख लेता हूँ उनको। अर्जुन गांडीवधारी महाधनुर्धर वीर है, बोला बताओ इतने बड़े बड़े योद्धा को मार गिरा ये दोनों, कहाँ बैठे हैं उन्होंने? भगवान बोले, अच्छा उनको मार गिरा, हाँ अभी उड़ा दूंगा उनको। गांडीव में टंकार किया, बताओ उनके एड्रेस कहाँ है, रहते हो बताओ, कहाँ टिके उन्होंने? तो भगवान ने बोले, देखो ये काम क्रोध कोई छोटे मोटे नहीं है, महासन महापापमा विधि ये न यह बैरिणम, ये जो शत्रु है महाअसन है। भगवान महाशत्रु नहीं कहे, बैरी तो कहे, लेकिन महाशब्द लगा असन में, असन माने खाने वाला, इतने खाता है, महान खाने वाला है, मतलब सबको निगल जाता है, खा जाता है। शत्रु क्या तुम्हें भी खा जाएगा, सब खा जाता है, महाअसन महापापमा, ये पाप कोई विचार नहीं करता, कुछ भी मिलता खा जाता है, महाआसन महापापमा विधि, उसी को जानो वही महाशत्रु है। तो अर्जुन ने पूछा, कहाँ रहते हैं उन्होंने? तो भगवान ने बोले, देखो उनके रहने का तो तीन क्वार्टर लिए उनने, तीन जगह में घर, तीन जगह में एक साथ रहते हैं। बोले कहाँ कहाँ? न मना बुद्धि इंद्रियाणी अस्य अधिष्ठानम उच्यते, तीन जगह में वो महाशत्रु बैठे हैं घर करके, कहाँ कहाँ? न मन बुद्धि और इंद्रिया, मार कितना बाण मारता है, आप तो धनुष चलाएगा बाहर की ओर, वो बाहर बैठे ही नहीं हैं, वो अंदर बैठे हैं। लो हम जितने राइफल चलाए, AK-47 पिस्तल धनुष कुछ भी, लाठी तलवार कुछ भी चलाए, हमसे बाहर की चलाए, अंदर को कोई चलाएगा? अंदर चले तो खुद ही मरेंगे, लेकिन वो तीनों इंटरनल तीन अंदर ही बैठे हैं। अंदर कहाँ? न मन में बैठे हैं, मन को बाण मार सकता, पकड़ में आएगा, निशाना कर सकता नहीं। और कहाँ? बुद्धि में बैठे हैं, बुद्धि को कैसे मारूं? और कहाँ? ना इंद्रिय में, जिस इंद्रिय के द्वारा बाण उठाएंगे उस इंद्रिय में बैठे हैं, ऐसे ऐसे पोजीशन लेकर बैठे हैं, तो आप तो सोचो कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन गन डाउन कर दिया, बोला प्रभु गया हो तो हो, ऐसे ऐसे जगह बैठे हैं ना, हाँ ऐसे ऐसे जगह पर वो लेकर मौके पर बैठे हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकता, धिक तरह धनुष को, धिक तरह बल को, धिक तरह सूर्य वीर्य को, कुछ नहीं कर सकता। शत्रु तरह ऐसी स्थान पर जमा कर बैठे हैं, डेरा डाले हैं, तो कुछ नहीं कर सकता, पर क्या उपाय है, कैसे उनको जीतूं? शत्रु को जीते बिना तो काम नहीं हो सकता। तो भगवान ने पूरी प्रोसेस बताए, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम रूपम दुरासद महान दुर्जय शत्रु को जीतने का विधि भगवान ने भगवद गीता के तीसरे अध्याय में विविडली बताते हैं, ठीक ठीक करके। शुरुआत कैसे करें? ऐसे हठात पकड़ लो मन को बुद्धि को, पागल हो जाए, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या विधि है, कैसे मैं इसे काम शत्रु को, क्रोध शत्रु को जीतूं, जो मुझे इतने फंसा करके पाप में काम में लगाता है? बोलते हैं कि इसको शुरुआत करो, अगर जीतना चाहते हैं ना, तस्मात आदो इंद्रियाणी संयम्य, सबसे पहले काम करना है आपने इंद्रिय को संयम करो, इंद्रिय संयम प्रथम अवस्था है, उसी से शुरू करना है लड़ाई। अगर अंतकरण के जो शत्रु हैं, जो बैठे हैं मन बुद्धि इंद्रिय में, उसको जीतने के लिए वो लड़ाई शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले मैच किसके साथ होना चाहिए? इंद्रियों के साथ। इंद्रियों के साथ कैसे? ना इंद्रियों को नियमन करो, आदो, आदो मतलब शुरुआत में, इंद्रियम संयम्य, इंद्रियों कैसे संयम करो इंद्रियों को? इंद्रियों को संयम करने का ही विधि है, जो आचार्य लोग कहते हैं उन्हीं के अनुसार काम करो। सुबह उठना है, भले नींद ना खोले, कैसे भी कैसे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, स्नान करना है, मंदिर में जाना है, भगवान के आरती में भाग लेना है, और बाकी बाकी जो क्रिया कर्म है उसमें भाग लेना है। अच्छा नहीं लगता, नींद आता है, बड़े आराम था, लेकिन आराम हराम है, उसको छोड़ कर गाना पड़े,
इंद्रिय नहीं चाहते हुए भी इंद्रिय को नियमित करना पड़ेगा। इंद्रिय चाहता है गरम गरम पकौड़े जलेबी समोसा खाऊं, नहीं खिचड़ी खाओ, क्या करें। ऐसे इंद्रिय भोग जो चाहते हैं उसको नहीं देना, आपके अनुसार देना है, केवल कृष्ण के प्रसाद देना है, यही आश्रम में खाना है, बाहर चाट चटनी नहीं खाना है। इस प्रकार जो इंद्रिय के लोलुपता, इसी को धीरे 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 संयम करो, नियमन करो, एक नियमन मतलब नियम में डालो, एक रेगुलेशन में डालो, मुझे केवल यही करना है, ये करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने हम लोग को सुधारने के लिए सबसे पहले संस्था में बोले हरे कृष्ण करो, लेकिन सबसे पहले चार नियम है परहेज करने के लिए, बदलिए चार चार परहेज सब जानते हैं। अखाद्य नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, बाकी इस प्रकार नियम लगा दिए। इसी प्रकार के इस परहेज को पालन करना, इंद्रिय के ऊपर संयम करना है। इसी प्रकार अभ्यास जब तो चारों के चारों करते हैं तो एक एक करके छोड़ो, किसी प्रकार से पहले इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। इंद्रियों को भोग विषय में लगाएंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते, धीरे 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 इंद्रिय को संयम करना होगा, नियमन करना होगा। इंद्रिय संयम हो जाने के बाद फिर इंद्रिय के ऊपर मन बैठा है, मन इंद्रिय को लेकर के भोग भोगता है। जब इंद्रिय भोग नहीं भोगेगा, मन कहेगा अरे गरम गरम जलेबी पता है कितना आनंद, क्या क्या उसका ऊपर गुण बताएगा, सकड़ो किस्सा बताएगा, लेकिन मन बुद्धि से डिसाइड करके कहेंगे भले तू 100 प्रकार उनके गुण बताओ, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, खाना ही नहीं मुझे, स्वीट छोड़ दिया, मीठा खाना ही नहीं मुझे, शास्त्र कहता है मीठा मत खाओ, हम मानेंगे नहीं, थोड़ा खा लेते हैं, अगर डॉक्टर कह दे तो मान जाएंगे, हमारे बुद्धि है। अभी निर्जला एकादशी काल आता है, सुन करके पहले से अरे एकादशी बहुत जल्दी आ जाता है यार, अब क्यों आ गया, अभी तो किया था, फिर आ गया, अरे राम राम ये निर्जला है, इतने गर्मी में कैसे हो सकता है, सोच कर परेशान हैरान हो जाते हैं। कलयुग में भागवत में कहा गया है कि कलयुग का विशेष गुण है, क्या है कि कोई अगर पाप कर्म गलत काम जब तक आप करते हैं तब तक आपका फल भोगते हो, क्योंकि मन में प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। मन में कितने पाप विचार लाओ, कितने गलत विचार लाओ, उसके कोई परिणाम नहीं है, जब तक एक्शन में कर डालो तो इमीडिएट परिणाम मिलेगा, कष्ट दुख भोगना पड़ेगा, शास्ति मिलेगा। जब तक नहीं करेंगे प्रैक्टिकल तब तक नहीं होगा। लेकिन अच्छा कर्म अब करने का बात तो छोड़ के मन में सोच ही लो, प्लान करो, मन में विचार करो तो उसका पूरा फल मिलेगा। अब करेंगे तो कहना ही बात क्या है। तो इस प्रकार एकादशी व्रत करना, विष्णुवास और विष्णु व्रत करना एक बहुत बड़े अच्छा कर्म है, भक्ति उन्मुखी सुकृति है। उसको अब पहले से सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे से डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल है, हम नहीं करेंगे, पहले से सारी तरह सोचो तो सही मैं करूँगा करके, बाद में कर ना करो अलग बात है, मन में प्लानिंग ही नहीं करते। शास्त्र कहता मन में अगर विचार कर लो, संकल्प प्लानिंग कर लो तो फल तो मिल गया, बाकी बाद में करो न करो देखा जाएगा, पहले फल तो प्राप्ति हो जाएगा मन में संकल्प करने से। हम मन में भी नहीं करते हैं, सोचते नहीं, मन में सोचते हैं हम नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं, तुम करना है करो, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर बिल्कुल हताश हो जाते हैं, कैसे पानी के बिना, कैसे खाए बिना पूरा दिन रहूंगा, अरे रे रे हो नहीं सकता, आपको परेशानी है, अब डॉक्टर आया बोला चेक करने के लिए, बड़े चेकअप बोला नहीं, बड़ी फूल बड़ी चेकअप करना है, क्या ना फास्टिंग में आना होगा, पानी भी नहीं पीना, आ जाना। और डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, भीड़ लगा है, सुबह से गए 6:30-7 बजे से लाकर बैठे हैं, और इतना भीड़ है, जब तक चेकअप नहीं करेंगे खा भी नहीं सकते, भूख तो लगता है लेकिन खाएंगे, वहीं बैठे बैठे डॉक्टर की राह देखते देखते 2:00 बीत जाए 3 बजे तब भी नहीं खाएंगे, क्योंकि चेक करना है, डॉक्टर बोला, और बोला ब्लड चेक करेगा, ये चेक करेगा, वो चेक खाने से नहीं होगा। तो इसी प्रकार उनके राह देखते देखते निर्जल भी कर डालेंगे, हाँ, लेकिन शास्त्र कहता है, आचार्यगण कहते हैं, भक्तगण कहते हैं, सुख करने से ये फल मिलेगा, है ये थोड़ी सुने, हम लोग का बुद्धि इतने पतित हो चुका है। तो इसलिए बहुत उनको उचित अनुचित बात समझाना होगा। तो अभी ये प्रवृत्ति मार्ग में फंसाने के लिए
ये किस प्रकार उनको राजा को किस प्रकार प्लस पॉइंट कितने गुण दिखाते हैं, ये गुण को सुनते ही राजा तुरंत राजी हो जाए, ऐसे ऐसे इतने महिमा है, ऐसे इतने गुण है ना, धर्म अर्थ काम वक्य सभी तो इसी में ही है और किसी में है ही नहीं। तो कोई वैराग्य के विचार ही मन में नहीं आएगा, इतने निंदा करके हटा दिए, है ना। तो इस प्रकार अगर आपको ये करना है, जिस काम को करना कराना है उसके गुण को ढूंढ ढूंढ करके लाकर बताना होगा, तो ये एक्सपर्टी से बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस प्रकार के बुद्धि को, राजसी बुद्धि को जीतना है तो हम एक ही उपाय है कि इंद्रियों को संयम करना होगा। इंद्रिया हमको नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर बुद्धि को हम सक्रिय करेंगे, इनसे डिसाइड करेंगे, नहीं एक दिन अगर हम नहीं खाते नहीं पीते मर तो नहीं जाएंगे, निश्चित मर नहीं जाएंगे। थोड़ा दिक्कत होगा, वीक हो जाएंगे, तो क्या एक दिन में दूसरे दिन तो प्रतिशोध लेंगे ही। जब एकादशी शुरुआत करते हैं वैसे पहले एकादशी व्रत शुरू करने से पहले सोचते हैं कि काल पारायण कितने समय है, समय का तो पता है, टाइम टाइम के नोट करके रखते, पूरा याद रहता है, भूलेंगे नहीं वो टाइम को, टाइम की याद करते हैं। पहले टाइम के नहीं, टाइम के बाद करेंगे कैसे, प्रतिशोध लेना कैसे, जो फास्टिंग किया उसके हिसाब किताब कैसे करें, पानी से, नींबू पानी से और शरबत से, केवल उसी से, और किसी और किया और किया और किया, सारे प्लानिंग तो एकादशी के दिन ही होता है, और उसके केवल प्लानिंग नहीं एक्शन भी होता है ना। नहीं खाएंगे नहीं, लेकिन आगे खाएंगे उसके लिए प्लानिंग में फास्टिंग हो जाता है। तो अगर केवल हम इंद्रियों को किसी भी तरह से बचाएं और कहते हैं कि हम क्या खाएंगे, किस प्रकार व्रत तोड़ेंगे, उसे विचार ना करके कैसे और बढ़िया से व्रत करेंगे, इन्होंने इतने काष्ठा उपवास किए, कैसे किए, क्या किए, ना केवल इतने माला जप किए, सब बैठ करके कथा कीर्तन किए, इस प्रकार के आरती किए, इसी प्रकार पॉजिटिव सेंस अगर आप लें, पॉजिटिव सेंस लगे, उसी के विचार विमर्श करें, उनके साथ संग करें, उसी प्रकार उपाय कार्य करें, तब ये भूल जाएंगे धीरे धीरे, भूल करके उसी में प्रवृत्त होकर चले जाएंगे। लेकिन ना तो हम कर पाते हैं, जिसी के पास जाते हैं वही भी कहता है कि पता है कल 5:23 में, अब मैं तो ऑर्डर दिया हूँ, 2 किलो मिश्री दिया हूँ, नींबू भी मंगाया हूँ, बता अब तो कैसे करेंगे बताओ, वही चिंतन रहेगा, है ना। नहीं उसे छोड़ करके कोई भगवान के विशेष लीला हो, किसी प्रकार के कोई पूजा अर्चना के उपाख्यान कोई विचार विमर्श में लग जाए तो मन उसी में फंस जाएगा। ये सब भूख प्यास सुख दुख जो हमको नहीं मिलता, आत्मा को मतलब नहीं उनसे, लेकिन एजेंसी है मन, मन इन्फॉर्मेशन देता है कि अरे तू सुखी हो तू दुखी हो। मन को केवल हम साइड करें तो कितने भी कुछ हो जाए हम फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मन को संयम करने के लिए इंद्रियम को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रिय नियमन करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत इंद्रिय के ऊपर होगा, इंद्रिय के ऊपर से मन दुर्बल हो जाएगा, मन को बस में लाओ तो बुद्धि तो पहले आपके साथ है ही। जय शत्रु महाबुद्धि, बुद्धि के द्वारा ही इस काम रूप दुरासत शत्रु को जीता जा सकता है। बुद्धि को इस्तेमाल शुरू से करेंगे इंद्रिय को दमन करने के लिए, मन को संयम करने के लिए, ये दोनों संयम हो जाए बुद्धि के साथ काम और क्रोध दोनों को जीत सकते हैं। इस प्रकार ये जो रजोगुण से उत्पन्न भोग प्रवृत्ति जो स्त्री के रूप में आकर के हमारा बुद्धि को कंडम करके उसे फंसाते हैं, उससे बचने के लिए केवल ही उपाय है। हरे कृष्ण।